नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल JK लेटेस्ट जॉब्स में, जहां आपको मिलती है गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट और नोटिफिकेशन सबसे पहले। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो JNK पुलिस रिटर्न एग्ज़ाम के ऊपर रहने वाला है। काफ़ी कैंडिडेट्स के ये क्वेश्चन आ रहे हैं कि JNK पुलिस का जो रिटर्न एग्ज़ाम है वो लीक हो चुका है, तो क्या है पूरा अपडेट आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो के साथ बने रहिए। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि JNK पुलिस की तरफ से कोई भी अपडेट निकल के सामने आता है तो उसका अपडेट हमारे चैनल पर दिया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो दोस्तों, मुझे टेलीग्राम पे एक लड़के ने ये नोटिस सेंड किया। जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं, पुलिस भर्ती परीक्षा का पर्चा लीक करने में जम्मू कश्मीर से 3 और गिरफ्तार। तो दोस्तों, ये न्यूज़ निकल के आ रही है कि जो JNK पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला था उसका जो पेपर है वो लीक हो चुका है। तो क्या है इसकी असली सच्चाई पूरा आपको बताते हैं। तो आपने मतलब JNK बॉर्डर बटालियन का जो आपका रिटर्न एग्ज़ाम है वो अभी तक नहीं हुआ है, तो उसका जो एग्ज़ाम है वो होने वाला था। तो यहाँ पे एक मतलब न्यूज़पेपर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बताया गया है कि JNK पुलिस की तरफ से जो आपका बॉर्डर बटालियन का रिटर्न एग्ज़ाम होने वाला था वो यहाँ पे लीक हो गया है। तो क्या है इसकी पूरी असली सच्चाई। ये जो नोटिफिकेशन है ये हरियाणा का था। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं, हरियाणा पुलिस भर्ती परीक्षा पेपर लीक करने के लिए 1 करोड़ में हुई डील। तो दोस्तों, मतलब जिन्होंने भी ये पेपर लीक किया था उन्होंने मतलब स्टूडेंट्स से टोटल मिलाकर जो कि 1 करोड़ ये राशि ली थी। तो ये मतलब ये जम्मू का न्यूज़ नहीं थी, ये सिर्फ हरियाणा की न्यूज़ थी। तो दोस्तों, आप बता दें ये क्या न्यूज़पेपर है और क्यों ये क्या एडिट किया गया है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये न्यूज़पेपर तो रियल न्यूज़पेपर है। तो यहाँ पे मतलब जम्मू की भर्ती के बारे में कहीं भी मेंशन नहीं किया गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे साफ साफ इस नोटिफिकेशन में देख सकते हैं, यहाँ पे जम्मू कश्मीर के 3 लोगों की बात की गई है जो कि हरियाणा में शामिल थे। मतलब हरियाणा में जो एग्ज़ाम हुआ था तो जम्मू कश्मीर के भी 3 लोग शामिल थे। तो यही था जो न्यूज़, इसमें कहीं भी जम्मू की जो भर्ती है उसके बारे में कोई भी मेंशन नहीं किया गया है। तो दोस्तों, ये था जो रियल अपडेट था। फ्रेंड्स, मैं आपको क्लियर कर दूं, जम्मू कश्मीर में जो बॉर्डर बटालियन की भर्ती हुई थी उसको लेकर ना ही अभी तक एडमिट कार्ड जारी किए गए हैं और ना ही कोई नोटिस आया है। तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये नोटिफिकेशन जो था ये सिर्फ हरियाणा के लिए था, जम्मू में इसका कोई भी मतलब इसका जो रोल है वो नहीं है। तो बस यही था हमारा आज का वीडियो। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। न्यू से न्यू अपडेट पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।